प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान के क्रम में भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अस्पताल के MRI सेंटर पर मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने फीता काटकर कोविड टीकाकरण केंद्र पर स्टॉल का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मना रही है। पूरे दुनिया के अंदर बड़े बड़े हेल्थ के मामले जो हर प्रकार से संपन्न थे, वैश्विक महामारी के समय उन देशों ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों व डॉक्टरों ने 8 से 9 महीने के अंदर 2-2 टीका वैक्सीन का उपलब्ध कराने का काम किया। पूरे देश की जनता उनके इस निर्णय का स्वागत कर रही है। आज 200 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि सबको बेहतर सुविधाएं मिले। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सिद्धांत घोष, मनोज अग्रहरी, गौरव तिवारी, अशोक गुप्ता, शिवम पांडे, आनंद अग्रहरी, अजय मणि त्रिपाठी, छोटेलाल पासवान, अजय सिंह, कमलेश आजाद सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं जिला अस्पताल के SIC एवं स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, और कोई सर सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर के पूज्य बापू के जन्मदिन तक एक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यक्रम कर रही है और पूरे देश भर में ये अभियान रोज़ कोई न कोई अभियान चलाया जा रहा है। आज 29 तारीख को पूरे देश भर में हर चिकित्सा केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी कोविड टीकाकरण केंद्र पर हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे प्रमुख लोग वहाँ जाएँ और जो अभियान चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसमें जागरूकता करें और उस अभियान को आगे बढ़ाएं। उसके दृष्टि से मैं गोरखपुर महानगर के अंतर्गत या सदर हॉस्पिटल में यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे गोरखपुर महानगर की इकाई ने 26 केंद्रों पर इस प्रकार की व्यवस्था की है और सब जगह कोई ना कोई है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड की वैश्विक महामारी में पूरे दुनिया के अंदर जो वैश्विक महामारी थी, बड़े बड़े ऐसे जो हेल्थ के मामले में हर प्रकार से संपन्न थे, उन देशों ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यहाँ कई सैकड़ों वर्षों में बहुत सारी बीमारियाँ आईं लेकिन उसके वैक्सीन नहीं बन पाते थे, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष लग जाते थे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने 8-9 महीने के अंदर 2-2 टीका वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया और आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। पूरे देश की जनता उनके इस निर्णय का स्वागत कर रही है। आज 200 करोड़ से अधिक डोजेज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं और पूरे देश की जनता जो सुरक्षित है इन दो वैक्सीनों के कारण,
आज लगभग सब लोगों ने डबल डोज के वैक्सीन ले लिए हैं और प्रोटेक्शन डोज यहाँ पर लग रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। उसी के अंतर्गत हम लोग भी यहाँ सदर हॉस्पिटल में यहाँ उपस्थित हुए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हो रही है और मैं आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 33 मेडिकल कॉलेज चालू हो चुके हैं और हर जिला केंद्रों पर हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था और जगह जगह से 2 एम्स जगह जगह पर मेडिकल जितनी सुविधाएं हो सकती हैं। आज हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एटीएम हेल्थ की व्यवस्था कर रहे हैं और जो भी हमारे जिला चिकित्सालय और सीएससी पीएससी बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। जितनी व्यवस्था उसके अंतर्गत बहुत अच्छे है, गोरखपुर सदर हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। यहाँ डॉक्टरों से बात हुई है, कुछ थोड़ी बहुत जो कमियाँ हैं निश्चित रूप से उन संसाधनों को भी हम सब पूरा करेंगे। ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम लोग भी जितना हो सकता है उसको पूरा करेंगे ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें। हर जगह हर सीएससी पीएससी पर हर स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे पार्टी का कोई ना कोई जनप्रतिनिधि जाकर के मेडिकल के क्षेत्र में जो डॉक्टर्स हैं पैरामेडिकल्स हैं उनके सहयोग में ये काम कर रहा है।